हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, जान रहे मस्त और स्वस्थ रही। तो देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों, मैं अभी को चाय गर्म कर रही हूँ दोस्तों। रात में इतना सर दर्द चेहरे से आप लोग को मालूम चल रहा होगा दोस्तों। और बाल देखिए दोस्तों, कितना तेल डाली हूँ ठंडा, फिर भी सही नहीं हुआ है दोस्तों। तब जाके दवा खाई हूँ तब जाके थोड़ा आराम हुआ है, तब नींद पड़ा है दोस्तों। और सोची थी कि मैं रात में ही आप लोग को दिखाऊं वीडियो बनाकर कितनी मैं सर दर्द से परेशान थी, पर मैं नहीं बना पाई दोस्तों। अगर हस्बैंड जी जागे रहते तो उनको मैं ज़रूर कहती बनाने के लिए, पर वो भी सो गए थे, बच्चे सब सो गए थे, सब लोग सो गया थे। तो दोस्तों हस्बैंड जी भी चाय, तो दोस्तों रात में ही सोची कि वीडियो बनाओ, पर नहीं बना पाई दोस्तों। कोई जागा ही नहीं था, ना बच्चे जागे थे ना हस्बैंड जी जागे थे, एक मैं अकेले और भी सर दर्द, इतना परेशान हो गई थी सर दर्द से दोस्तों। चेहरे पे आप लोगों को मालूम चल रहा सर में, देखिए पता भी की हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों एकदम मन नहीं कर रहा था दोस्तों, कभी वीडियो बनाने का भी कल मन नहीं कर रहा था और अजीब सा लग रहा था दोस्तों। तो इतने बोलने में मैं हाँफने लगी हूँ दोस्तों, हमको लगता है फीवर वगैरह भी लगता है लगेगा, क्योंकि देह हाथ में दर्द रात में इतना जकड़न कि क्या बताएं आप लोगों को दोस्तों। बहुत ज़्यादा शरीर में जकड़न हो रही थी दोस्तों, और मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाना वाना खाने का, फिर भी एक रोटी खाई है थोड़ा सा बिना, मतलब दवा खाना था ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा चावल एक रोटी खाई हो ताकि दवा खाने को मतलब मिल सके। खाली पेट दवा नहीं खाना चाहिए दोस्तों, और तबीयत खराब हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों तबीयत खराब ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मतलब। और दोस्तों आज कई दिनों से ही हो रहा था दोस्तों, हल्का हल्का दे रहा था रात में, इतना तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। माइंड ऐसे लग रहा था कि घूम रही हूँ, चक्कर खा के मैं भी गिर जाऊँगी ऐसे लग रहा था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।